वतन मेरे वतन। बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान। यहाँ से भगा दिए, हर जाकर यहाँ भगा देंगे, पुलिस वाले डंडे मारते। मैंने पत्ता से लकड़ी से तो बहुत मारा। कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, मगर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाई और बहनों को हुआ। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं। धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। मैं आपको झलक दिखाना चाहता हूँ। क्या सोच रहे हैं, क्या इनके डर है, क्या इनकी आशाएं हैं, इनका भविष्य कैसा है, इनको क्या लगता है। ए वतन रे वतन, हमारा महेश कुमार झांसी मऊरानीपुर, यहाँ से 120 किलोमीटर से भी चल पड़े हैं, पूरे कल से नहीं गए हैं, पूरी रात में भी थोड़ा थोड़ा रुकते आए और चले आए, अपनी क्या करें फिर। वो तो मजबूरी है कि हम लोगों को पैदल जाना है। बड़े आदमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं हम लोग, बच्चा भी है हमारा साथ में भूखा, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। चार चार पाँच पाँच दिन काम किया है, वो बचा लिया, 2 महीने बैठे खा लिया है, अब खत्म हो गए, इस वजह से फिर अब पैदल निकल लो गाँव, पैदल चल दी। खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, मालिक कोई मदद नहीं कर रहा, तो क्या करें फिर? क्या करें, मजबूरी है साहब, अब लड़ रहे वो तो, अब से लड़ रहे तो मजबूरी से लड़ेंगे, क्या करें, वो इतना करना ही पड़ेगा। काम धंधे सब कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लास्टर का। चुनाई प्लास्टर का। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है, अब सब एक साथ चले। हाँ, एक साथ चले। और कितने कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ, हाँ, कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था, 21 तारीख को कुछ नहीं करा। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए थे, कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये किराया लगता है। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर है, झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो कैसे कर रहे हो? चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो रास्ते में मिल गया तो खा लिया, लोग दे रास्ते में तो खा लिया है, ना तो फिर भूखे अपने चल तो रही है। तो आपको लास्ट मिनट पता लगा कि भैया? एक दिन का, 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात आपने सोचा एक दिन का बंद? एक दिन बंद। ये नहीं समझा क्यों हुआ? वो 4 दिन का गैप देता था, एक भी बंद आ रही है। 4 दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते? भाग जाते, घर भाग जाते, फिर क्या करते? और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले ले, कहीं घर से कोई पैसे मंगवाया है बेच बचा के, उनने भी कोई गेहूं बेच बेच के घर डाल, घर से पैसे काट। और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापस यूपी जाने का, इसलिए लिया? क्यों लिया? एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, 3 बार देख लिया, किस्तें खत्म होने वाला है, चौथा फिर शुरू हो गया। मतलब आपको मालूम नहीं कि फिर चौथे में क्या होगा? चौथे में क्या होगा, फिर 5वां बढ़ेगा कि 6वां, कहाँ तक चलेगा, कोई ठिकाना नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, आप वापस आओगे 2-3 महीने में? या वही अभी तक सोच ही है आने के लिए, मतलब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हो? अगर आपका सामान छोड़ दिया उसका क्या होगा? उसकी चिंता नहीं है। क्या क्या छोड़ा आपने? बनाने खाने वाला, बनाने करने का सामान है,
सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। जान बची तो लाखों पाए, जान नहीं बची तो सारे लोग क्या करेंगे। आपकी मदद तो होनी चाहिए आपके। देखिए देखो आपको बताएं, बोल रहे कि ये देंगे को 500 रुपए को 1000 डालेंगे को ये देंगे, हम कह रहे कुछ लाश होने की, कुछ भी नहीं मिला सारा, कुछ भी ऐसे मदद मिलती हम लोगों को खाने के लिए मोहताज रह गए, एक रुपए की मदद नहीं मिली हम लोगों को। मुझे लगता है कि इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो अपना काम कर रहे थे बस। सरकार ने आपसे कहा कि भैया आप काम नहीं कर सकते, अब आपके हाथ बांध दिए, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिला। उसके उसके लिए जो आपके हाथ से छीना, आपकी मजदूरी जो आपसे छीना, उसके लिए तो मिलना चाहिए। क्या कर सकते, किसी से जबरदस्ती ले नहीं सकते, मांग भी नहीं सकते, कोई दे नहीं सकता है। कितना हो गया था अभी तो, इतना हो गया था, घर से बाहर निकलना गुनाह हो गया था। उधर पुलिस वाले तो पुलिस वाले, और लोग भी डंडा लेके घूम रहे थे, अगर लोग डंडा लोग मतलब डंडा लेके घूम रहे थे, अगर गेट से बाहर निकले उन्हें देना शुरू कर दिया अंदाजा। कौन लोग? हरियाणा में मतलब आम लोग। हाँ आम लोग, पुलिस वाले उनसे कह जाते थे तुम व्यवस्था बनाना, बस पुलिस नहीं आती, पुलिस आएगी दो टाइम वो रहेंगे पूरा दिन, सब झूठ है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोगों को बस देख लिया, परदेश का आदमी है, मजदूर आदमी बाहर से आया तो उसकी तो वहाँ कोई वैल्यू है नहीं वहाँ। मगर भैया वैल्यू तो है, आप ही तो काम करते हो वहाँ पे, काम करते काम करने पे पूरा जब तक काम करेगा आदमी जब तक उसकी वैल्यू है बस। अब काम बंद हो गया था, गया गया आदमी, उसकी कोई वैल्यू नहीं, हटाओ इसको। वो मजबूर हो गया आदमी, ना घर भाग सकता था और ना कुछ कर सकता था। आप बोलो आपको क्या लग रहा है? गाँव पहुँचाए, गाँव जाना, मदद करें आपकी, मदद करो, एसी का मदद करो, हम लोगों को माँ मत लौटाना, माँ नहीं जाएंगे, मन जाए चाहे माँ जाएंगे चाहे, हाँ यहाँ मर जाएगी, हरियाणा नहीं जाना, आपको गाँव जाना है। एक बार ये पूरा खत्म हो जाएगा 3-4 महीने में तो फिर आप शहर वापस आओ। जब तक मोदी की सरकार, मोदी की सरकार आएगी तो नहीं आएगा, तो पता ही नहीं चलता है कि वो करता क्या है। रात भर में सोच कर रात में ही बोल देता है 12 बजे सब कुछ बंद, तो सुबह समझो सब कुछ बंद, जैसे नोटबंदी हुई थी दिया वैसा ही सुबह होता, नोटबंदी हुई एक दिन गरीब आदमी के बारे में सोचता नहीं, 8 बजे बोल दिया 1500 का बंद, तो बस समझ लो बंद ही हो गया। ऐसे ही इसमें कह दिया एक दिन के लिए बंद है भारत, और दूसरे दिन फिर बस। कितने पैसे का आपका नुकसान? कमरे पे 5-5 हजार रुपए का सामान पड़ा हम लोगों का, कमरे का हुआ है, गया गया नहीं मिलेगा कभी, आएंगे ना सामान लेके चलते थे, कैसे चलते। ये जो बीमारी की बात हो रही है, आप किसी से मिले जिसको बीमारी है? अब वो तो मीडिया वाले बताएंगे डराएंगे कि बीमारी है, बाहर मत निकलना, वो छूने से फैलती है फलाना ढकाना, तो हम लोग तो वैसे ही डर जाएंगे, कहाँ छूने से फैलती है। अमीर लोग तो आसानी से घर में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीने को जो भी चाहिए है, कोरोना की बीमारी ना है, पेट की बीमारी है सर आपको, कोरोना वाली बीमारी नहीं हम लोगों को सता रही, हम लोगों को ये पेट की बीमारी सता रही, भूखन प्यासन मर रहे हैं। और कल क्या होगा आपका? बच्चों के पास पहुँच जाएंगे। डर नहीं लगता कि भाई हाईवे में क्या होगा कौन? नहीं कुछ नहीं डर लगता, कोई डर नहीं, अपना मन तो गलत हुआ था, मैं निकले गलत मन से मत पता निकल गया, कब जैसे बने निकल जाएंगे चले जाएंगे, कोई दे देगा मदद तो सच्ची बात है, नहीं देगा तो अच्छी बात है। तो अगर सरकार आपकी मदद कर सके तो किस चीज पे मतलब मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपके लिए अगर करा जा सके? जो कहा जाएगा कि हम लोगों को गांव का छोड़ दिया, ठीक है गांव पे छोड़ दिया माने, मगर और सरकार को क्या करना चाहिए? उनके गज जनता को क्या चाहिए, काम चाहिए, सो दो पैसे मिलेंगे, मगर फिर से रोजगार चालू करें, फिर से रोजगार चालू होगा, काम मिलेगी तो जनता आएगी, काम नहीं रहेगा तो जनता भूखी तो मरी रही है। दो सौ रुपये कमाता है वहाँ, 25 रुपये कमाएगा गांव में, दो आदमी पेट तो भरेगा अपना। अगर 3-4 दिन का नोटिस दिया होता तो आप गांव पहुंच जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मजदूरी से यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ भी खेती में कोई भी फसल काट लेते कुछ खाने के लिए हो जाता, कोई की जबा काटते मत गए तो अपने साल दो एक दो महीना के खाने के लिए कर लेते, अब यहाँ एकदम बैठ गए तो खाने को क्या करेंगे, बच्चे मोजाक हुए कि कहाँ से खवाएंगे क्या खाएंगे। और आप भैया आपका नाम? सुरेंद्र। आप भी इनके साथ हो? हाँ, सब एक साथ एक परिवार है। आपको क्या लग रहा है? इधर आ जाते हैं, हमको ये लग रहा है कि गांव पहुंच जाए, ये सोचा कि ये खाली एक दिन के लिए लग रहा है, एक दिन लग रहा है, एक दिन आज बाद इसके बाद तो खुलेगा, फिर सोचा कि 14 तक लगेगा, सही तो 14 के बाद तो खुलना है ही, फिर बढ़ता ही जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है सरकार का, कोई भरोसा ही नहीं है, जैसे एक दिन की बताई थी, एक दिन के बाद फिर 21 दिन की बताई, अब ऐसे ही बढ़ता जा रहा है ना, तो मत क्या करेगी। तो आपको लगता था कि अगर
30 दिन का होता है तो पहले ही 30 दिन बोल देना था। अगर 40 दिन का होता पहले बोल देना भैया मैं एक बार कर रहा हूँ, 40 दिन का कर रहा हूँ, चाहे वो 5 साल का लगता है एक दफा बोलता। मगर अभी तो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, कुछ नहीं खोला, बाहर निकलना मुश्किल है। आप बोल रहे काम की बात, वहाँ किसी की इज्जत नहीं है, न महिला की न जेंट्स की किसकी नहीं है, वहाँ मजदूर की इज्जत है ही नहीं। कोई इज्जत नहीं है वहाँ मजदूर की। अगर अपन लोग हम लोग किराया देंगे ना तो इज्जत है, अगर किराया नहीं देंगे तो कोई इज्जत नहीं है। जब काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा? तो हरियाणा कैसे जाने को हुआ? कुछ लोग पहले आप किसी को जानते थे वहाँ पे? हाँ जान जो हरियाणा में थे, ठेकेदार था जान पहचान का। तो अब आप जाओगे यहाँ से? हाँ जी। आपको लग रहा है कि आप आसानी से पहुँच जाओगे? जो कमरे में वहाँ डंडा मार मार के सह रहे थे, तो रास्ते में जो होगा तो देखा जाएगा। और जो बेटा है आपका कहाँ है? ये भी पूरा चल रहा है? साथ ही में चल रहा, बैठ बैठ के आते हैं, जे थक जाते तो सब लोग दो तीन किलोमीटर चल लेते फिर बैठ जाते, दो तीन किलोमीटर चल चल के बैठ जाते हैं। बच्चे की वजह से कम चल पाए। कुछ भी होता है सब जनता ही को भोगना पड़ता, बड़े आदमी को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी होगा हर चीज में जनता ही को फर्क पड़ता है। गरीब आदमी की वैल्यू नहीं है, उन्हीं की मट्टी पलीत है। आपको लगता है कि लॉकडाउन ने हम लोगों को कोई बीमारी को हरा दिया? बीमारी को कोई नहीं हराया, लगाना था लॉकडाउन, कुछ भी जो भी करना था कम से कम जो बाहरी आदमी थे उनको तो घर भेज देते, फिर जो तुम्हें करना था कर सकते थे, पहले तो बता सकते थे, 8-10 दिन पहले बता देते कि आदमी अपने घर चले जाए इतने दिन के लिए, काम बंद होगा। हरियाणा से ट्रेन नहीं चली? नहीं, कुछ भी आपने कोशिश किया ट्रेन में जाने की? चली तो बोल रहे थे 3,000 का रिजर्वेशन बनेगा, हमारे पास तो नहीं है 3 रुपए, हम 3,000 का रिजर्वेशन कहाँ से बनवाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा डाला? नहीं, हमारे अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं आया, 1 रुपए भी नहीं आया, 2-4 हजार डले होंगे पहले बोल दिया, सबको डाल दिया, 2-4 आदमी के खाते में डाल देते, बोले पूरी जनता को डाल दिया, पूरी जनता को डालेंगे तो आएंगे तो बताएगी नहीं जनता, तो इतनी दुखी क्यों होगी? पहली बात का होता 500 रुपए में एक दिन की सब्जी नहीं आती, राशन पानी सब खरीदन जा, 500 रुपए में क्या होता? आपका आपका महीने का खर्चा कितना होता है? महीने का खर्चा होगा वो 8-10 हजार रुपया। अब दो बच्चे है, दो ही आदमी हम है, तो कितना 8-9 हजार रुपया तो हो जाता है हाल में। 3,000 रुपये कमरे में लग जाते? हाँ, कमरे में लग जाते, किराया कमाया नहीं है पैसे, तो किराया माफ करा देंगे, जो करा देंगे तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। क्यों कच्चू नहीं हुआ, कोई मदद नहीं मिली, कमरा कोई बिजली का बिल माफ हुआ ना कोई पानी का, सब लेते हैं कमरे वाले, ना पानी का माफ करते ना बिजली का ना किराया। कहाँ तक आपको जाना है? झांसी, ठीक है कोशिश करते हैं। झांसी पहुँचा दो तो बड़ी मेहमानी होगी आपकी। ठीक है ट्राई करते हैं, कोई ना कोई तरीका निकालते हैं आपको झांसी पहुँचाने का। ठीक है अच्छी बात है, जेरिया तक तो इतनी मदद दे दो, बहुत है, बड़ी मेहमानी बहुत है हमें। चलो ऐसे मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छी बात है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारा नाम चौधरी प्रजापति है, राहुल जी ने हमारे बच्चों की मदद की, पहुँचाया, उनको बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को बहुत बढ़िया किया हमारे साथ, इतना हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ये व्यवस्था बन जाएगी कि ऐसे पहुँच जाएंगे, कभी सोचा नहीं था। आने के बाद हम लोग जब घर पे आए, बाहर से आए, बाहर बैठे रहे 2 महीना हो गया करीब, 2 महीने से वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए और यहाँ पे तो था ही नहीं कुछ, जब बाहर से आए तो यहाँ क्या होगा। आने के बाद हम एक दिन के एक पहले ही दिन हम लोगों को राशन पानी व्यवस्था पूरी
तैयार हो गई हमारी, हर चीज से व्यवस्था हो गई, अभी हम लोगों की अच्छी तरह खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों के धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा किया उनको, एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा किया उन्होंने। मेरे प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप इस देश की शक्ति हो, आप इस देश का बोझ अपने कंधों पर लेते हैं। पूरा देश चाहता है कि आपके साथ न्याय हो। हिंदुस्तान की शक्ति को सक्षम बनाना हम सबका कर्तव्य है। ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। सरकार 13 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को सीधे कैश ट्रांसफर के माध्यम से तुरंत 7,500 रुपए दे।